हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी का रियलमी 10 प्रो प्लस का डिवाइस है या फिर दोस्तों अगर आप रियलमी 10 प्रो प्लस डिवाइस को परचेस करना चाहते हैं स्पेशली गेमिंग के लिए, सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल वीडियो रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियलमी 10 प्रो प्लस का पबजी टेस्ट या फिर आप कह सकते हैं कि BGMI टेस्ट, वो भी पबजी ग्राफिक्स के साथ। एंड दोस्तों देखने वाले कि आपको गेमिंग के लिए कौन कौन से गेमिंग ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, गेमिंग सेटिंग्स एंड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, कैसा गेम प्ले आपको देखने को मिल जाता है, जायरोस्कोप कैसा है, फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। सो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है Realme 10 Pro Plus डिवाइस जो कि रिसेंटली लॉन्चिंग डिवाइस है Realme की तरफ से। Realme 10 सीरीज है एंड इस फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI 4.0 का सपोर्ट मिल जाता है, वो भी Android 13 अपडेट के साथ। एंड स्पेशली मैंने नेबुला ब्लू कलर को परचेस किया है क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे मैट फिनिशिंग मिल जाता है बैक के साइड में, क्योंकि दूसरा जो वेयर मिल जाता है ग्लोसी लेयर का, जिसमें आपको और काफी सारे फिंगरप्रिंट के समजेस आ जाते हैं, तो स्पेशली मैं आपको यही कलर को रिकमेंड करूंगा। सो चलिए दोस्तों बात करेंगे फटाफट से स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। वैसे दोस्तों प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इस फोन का जो ऑफिशियल प्राइस है 25,000 रुपए इसका प्राइस है, बट दोस्तों बैंकिंग कार्ड ऑफर लगाने के बाद 1,000 या फिर 2,000 रुपए का वैसे भी डिस्काउंट मिल जाता है। एंड बड़े बड़े सेल में आपको पता है कि यार 2,000 से लेकर 3,000 रुपए का वैसे भी इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पे चेकआउट करके देख सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम कैटेगरी में काफी जबरदस्त आपको डिस्प्ले मिल जाता है। बाकी दोस्तों प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे तो वही आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 का प्रोसेसर मिल जाता है, जिसका परफॉर्मेंस आपको सेम टू सेम 920G जैसा ही देखने को मिल जाएगा। एंड अंततु बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करेंगे, सो 514,000 से ऊपर आपको इसका स्कोर निकल के आ जाता है। सो चलिए दोस्तों बात करेंगे Realme 10 Pro Plus के पबजी टेस्ट या फिर BGMI टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे Realme 10 Pro Plus के गेम स्पेस के बारे में, क्योंकि वैसे भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI 4.0 का सपोर्ट मिल जाता है। सो आपको यहाँ पे देखेंगे अपडेटेड गेम स्पेस का भी वर्जन देखने को मिल जाएगा। सो गेम स्पेस ओपन किया है एंड गेम स्पेस ओपन करने के बाद हम यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम को ओपन करेंगे। सो आपको इस डिवाइस में हाइपर बूस्ट का सपोर्ट मिल जाता है। सो देखने वाले की गेम सर्वर को ओपन करेंगे। सो गेम सर्वर ओपन करने के बाद देखेंगे कि आपको गेमिंग के लिए कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। सो गेम सर्वर ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल एप्लीकेशंस को PIP मोड, मतलब ये फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना है। सो फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करने का भी फीचर देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों गेमिंग मोड में आपको 3 मोड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लो पावर मोड है, मतलब आपको ज्यादा बैटरी ड्रेन नहीं करना, सो या फिर लो पावर मोड का भी फीचर मिल जाता है। बैलेंस मोड का भी फीचर देखने को मिल जाता है, आपको बैलेंस में परफॉर्मेंस मिल जाएगा। एंड तीसरा देखेंगे आपको एक परफॉर्मेंस मोड का भी फीचर देखने को मिल जाता है। एंड इसी परफॉर्मेंस मोड में देखेंगे अगर आपको रिफ्रेश रेट स्टैंडर्ड या फिर हाई पे सेट करना है, उसके बाद जो टच रिस्पॉन्स अगर आपको अल्ट्रा पे सेट करना है सो अल्ट्रा पे भी सेट कर सकते हैं। सो डेडिकेटेड आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड का भी फीचर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे गेमिंग के लिए और भी क्या कुछ फीचर्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि दोस्तों नीचे के स्तर में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे गेमिंग फोकस मोड का भी फीचर मिल जाता है। सो गेमिंग खेलते वक्त अगर आपको किसी भी एंगल से किसी भी दूसरे चीजों के यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, जैसे कि कॉल्स वगैरह ब्लॉक करना है, नोटिफिकेशंस ब्लॉक करना है, काफी सारी चीजें अगर आपको ब्लॉक करके रखना है सो ब्लॉक करके रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन स्टॉल का भी फीचर मिल जाता है, अगर आपको नोटिफिकेशन को ब्लॉक करना है, हैंगअप करना है, उसको भी हैंगअप कर सकते हैं। एंड दोस्तों बात करेंगे अगर आपको स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है गेमिंग का, सो स्क्रीन को भी गेमिंग को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड टच ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे, सो टच ऑप्टिमाइजेशन जो सेंसिटिविटी रहती है, सो गेमिंग खेलते वक्त अगर आपको स्वाइप की सेंसिटिविटी, उसके बाद टच की सेंसिटिविटी, इसको भी बढ़ाना है तो उसको भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मिस टच प्रिवेंशन, वो भी आपको फीचर देखने को मिल जाता है। सो जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी मिस टच है, उसको भी ऑफ करके रख सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे ओरिएंटेशन लॉक, अगर आपको जो गेमिंग का स्क्रीन है ओरिएंटेशन को लॉक करना है सो ओरिएंटेशन को लॉक कर सकते हैं। गेमिंग फिल्टर जो कि यार इस गेम को सपोर्ट नहीं करता है। इवन दोस्तों बात करेंगे सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि है वॉइस चेंजर, सो वॉइस चेंजर का भी फीचर्स आपको मिल जाता है, जिसमें आपको 5 या फिर साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। सो वॉइस चेंजर को भी इनेबल करके रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों गेम स्पेस में ऑटोमेटिकली एडजस्ट रेजोल्यूशन, उसका भी फीचर मिल जाता है, जो कि इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। एंड उसके बाद दोस्तों सिस्टम स्टेटस, मतलब कि अगर आपको गेम खेलते वक्त लाइव यहाँ पे FPS एंड GPU वगैरह चेक करना है तो यहाँ पे FPS मीटर भी आपको लाइव देखने को मिल जाता है, जो कि आपको गेम स्पेस का फीचर मिल जाता है। तो चलिए सिस्टम स्टेटस को ऑन करते हैं, क्योंकि हमको लाइव FPS वगैरह ऑन करना है। एंड इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राफिक्स के बारे में, कौन कौन से ग्राफिक्स आपको Realme 10 Pro Plus यहाँ पे सपोर्ट करता है।
तो इसके ग्राफिक सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे चेकआउट करके देख सकते हैं। स्मूथ में आपको यहाँ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम तक देखेंगे ग्राफिक्स का सपोर्ट मिल जाता है। एंड दोस्तों बात करेंगे बैलेंस एचडी एंड एचडीआर, देखेंगे आपको यहाँ पे अल्ट्रा का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब ये बैलेंस एचडी एचडीआर में आपको 40 एफएस का सपोर्ट मिल जाएगा एंड स्मूथ में आपको 60 एफएस का सपोर्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो गेम है हम यहाँ पे एक्सट्रीम ग्राफिक्स मतलब कि 60 एफएस में चेकआउट करने वाले हैं। एंड ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे अल्ट्रा ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टीडी मैच को प्ले करने वाले, सो टीडी मैच यहाँ पे दो खेलने वाले। एंड शुरुआती में हमने जो ग्राफिक्स सेट किया है वो यहाँ पे एक्सट्रीम ग्राफिक्स को सेट किया है। एंड लगभग हम यहाँ पे जो गेमिंग है ना एक घंटे का गेमिंग प्ले करने वाले हैं, क्योंकि एक घंटे के अंदर हमको चेक करना है कि कितना बैटरी ड्रेन हो जाता है, कितना डिवाइस यहाँ पे हीट हो जाता है। सो रूम टेम्परेचर देखेंगे मेरा 26 या फिर 27 के अराउंड है। एंड डिवाइस का जो टेम्परेचर है वो तो आपने चेक किया कि 34 डिग्री सेल्सियस अभी यहाँ पर शुरुआती का टेम्परेचर है। एंड उसके बाद ऊपर के साइड में चेकआउट करके देख सकते हैं 59% यहाँ पे बैटरी है। एंड उसके बाद दोस्तों जो टाइमिंग है 11:50 मतलब 11:50 हो चुका है, सो भी आप यहाँ पे नोट डाउन करके रख सकते हैं। सो चलिए दोस्तों गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे एफएस मीटर को लगाना भूल चुके हैं, तो हम यहाँ पे फिर से गेम को स्टार्ट करेंगे एंड एफएस को ऑन करेंगे लाइव फेस, क्योंकि लाइव फेस हमको चेक करना है। वैसे दोस्तों ऊपर के साइड में चेकआउट करके देख सकते हैं अभी जो एफएस वगैरह चल रहा है शुरुआती में 58-59 है। एंड कभी कभार आपको यहाँ पे 60 एफएस भी कॉन्स्टेंटली देखने को मिल जाता है, लेकिन एवरेज अगर बात करेंगे तो कभी कभार 56 को भी टच करता है, तो एफएस ड्रॉप वगैरह देखने को मिल जाएगा। सो अभी तो फर्स्ट गेम में देखेंगे यहाँ पे 59-60 एफएस वगैरह देखने को मिल जाता है, ज़्यादा कुछ तो फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिले, बट कभी कभार यार लैग वगैरह तो हो जाता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लैगिंग का भी इशू देखने को मिल चुका है। वैसे दोस्तों इस मैच में मुझे जो एफएस वगैरह मिला है ना 57-58 के अराउंड ही है एंड कभी कभार 59 को भी टच करता है, बट एवरेज अगर हम बात करेंगे तो 57 का मुझे यहाँ पर एफएस वगैरह देखने को मिल जाता है। सो एक्सट्रीम ग्राफिक्स में काफ़ी बढ़िया सा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। एफएस ड्रॉप हो जाता है लेकिन इतना ज़्यादा तो मुझे एफएस ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। इसके बाद दोस्तों नंबर आएगा एरेंगल मैच का, एंड एरेंगल मैच वो भी हम यहाँ पे एक्सट्रीम ग्राफिक्स को सेट किया है। एंड बूट कैम भी देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा एफएस ड्रॉप तो मुझे देखने को नहीं मिला है। वैसे भी आप ऊपर यहाँ पे लाइव एफएस मीटर में चेकआउट करके देख सकते हैं 58-59 तक यहाँ पे एफएस वगैरह जाता है। एंड कभी कभार देखेंगे 54-55 तक यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो मुझे तो यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप्स ज़्यादा देखने को नहीं मिले, मुश्किल से मुश्किल 54-55 तक यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाता है। सो एरेंगल मैच में भी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वही आपको 57-58 एवरेज मिल जाता है। अगर ज़्यादा डिवाइस हिट हो जाता है तो ज़्यादा डिवाइस हिट होने के बाद आपको 54 या फिर 55 तक यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स मिल जाएंगे। एंड बात करेंगे दोस्तों जायरोस्कोप के बारे में, क्योंकि यार काफ़ी सारे लोग यार जायरोस्कोप के बारे में बात करते हैं। सो इसका जो जायरोस्कोप है काफ़ी एक्टिव है, आप देखेंगे कुछ भी आपको यहाँ पे डिले वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर आप एक जायरो प्लेयर्स है तो आपके लिए डिवाइस काफ़ी परफेक्ट है, क्योंकि इसका जो जायरोस्कोप है काफ़ी बेटर तरीके से देखेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। सो जायरो प्लेयर्स आप इस डिवाइस के साथ गेमिंग का मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा सब बात करेंगे हम यहाँ पे 40 एफएस को इनेबल करेंगे। सो चलिए वो भी हम चेकआउट करके देख सकते हैं कि आपको कितना फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाएगा एचडीआर ग्राफिक्स में। सो एक टीडीएम हम सैंपल के लिए प्ले करेंगे एंड ऊपर आप चेकआउट करके देख सकते हैं कि कितना आपको यहाँ पे लाइव एफएस आपको मिल जाता है एचडीआर अल्ट्रा ग्राफिक्स में। सो ओवरऑल आपको इसमें भी 38-39 का एफएस वगैरह मिल जाता है। सो नॉर्मली आपको 2 से 3 फ्रेम ड्रॉप्स देखने को जरूर मिल जाएंगे। एंड बात करें दोस्तों अगर आप यहाँ पे ज़्यादा गेम खेलेंगे जैसे कि 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद, सो 1 घंटे के बाद डिवाइस हीट होना भी स्टार्ट हो जाएगा एंड आपको थोड़ा सा लैगिंग का भी इशू मिल जाएगा एंड फ्रेम ड्रॉप्स आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे 1 घंटे के बाद। सो चलिए गेम को कर देते हैं बंद। एंड गेम को बंद करने के बाद यहाँ पे चेकआउट करेंगे बैटरी कितना ड्रेन हो चुका है, डिवाइस कितना हीट हो चुका है। सो यहाँ पे देखेंगे 12:50 हो चुका है, मतलब भी 1 घंटा हो चुका है। एंड बैटरी भी चेकआउट करके देख सकते हैं 39% बचा है, मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं 20% बैटरी ड्रेन हो जाता है 1 घंटे के गेम प्ले के बाद। एंड टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे सो टेम्परेचर भी यहाँ पे देखेंगे 40, उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे सो 40 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। रूम टेम्परेचर देखेंगे मेरा 27 है। सो डिवाइस का जो टेम्परेचर है फ्रंट का टॉप साइड में देखेंगे 41 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। सो
डिवाइस भी यहाँ पे हीट हो जाता है एक घंटे का गेम प्ले करने के बाद। अभी तो यहाँ पे ठंड का मौसम चल रहा है फिर भी यहाँ पे डिवाइस हीट हो जाता है, सो गर्मियों में देखेंगे और भी ज्यादा हीट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुराना रियलमी 9 प्रो प्लस का डिवाइस है तो आप बिल्कुल भी इसको अपग्रेड मत कीजिए 10 प्रो प्लस के साथ। सो अगर आपको डायरेक्टली रियलमी 10 प्रो प्लस को बाय करना है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रियलमी 9 प्रो प्लस में जो गेमिंग है वो भी यार काफी अच्छी आपको गेमिंग मिल जाती है, ठीक ठाक एंड सेम टू सेम गेमिंग ही देखने को मिल जाएगी। ज्यादा कुछ खास बड़े सा परफॉर्मेंस आपको 10 प्रो प्लस में देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।